यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, देर रात 15 आईपीएस अफसरों के हुए तबादले, तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के आदेश। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से आज से 3 मार्च तक रात की उड़ानें रहेंगी बंद, रात 9:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बंद रहेगी उड़ानें। प्रभावी रनवे की मरम्मत कार्य की वजह लिया गया फैसला। कासगंज तेज रफ्तार दो बाइक की जबरदस्त टक्कर लगने से दोनों बाइकों के ओड़े पर खच्चे, दो बाइकों की टक्कर की घटना सीसीटीवी फुटेज में हुई कैद। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 23 फरवरी से 1 मार्च तक चलाया जाएगा थूकना मना है विशेष अभियान, लखनऊ नगर निगम चलाएगा अभियान, खुले में थूकने पेशाब करने पर लगेगा जुर्माना। कासगंज में सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस महकमे में हड़कंप। आगरा में ताज महोत्सव समिति की अव्यवस्थाओं की खुली पोल, कार्यक्रम के दौरान मंच पर पहुंचा कुत्ता, सचेत और परंपरा के परफॉर्मेंस के दौरान पहुंचा कुत्ता। उधम सिंह नगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एक स्मैक तस्कर और गौ तस्कर की 2 करोड़ से अधिक संपत्ति जब्त। जालौर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जालौन में प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रही पत्नी को पति ने जिंदा जलाया, आरोपी पति मौके से फरार, पुलिस घटना की जांच में जुटी। कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम ब्योना राजा गांव की घटना। बहराइच में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुलेट सवार 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर में कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग लगने से कार जलकर हुई खाक, गाड़ी से भागकर ड्राइवर ने बचाई अपनी जान, थाना खैराबाद इलाके के मचरेहटा खैराबाद मार्ग का मामला। बहराइच में छत और छज्जा भरभराकर गिरा, मलबे में दबने से मां की मौत, बेटी की हालत गंभीर। बुलंदशहर में शादी में डीजे पर डांस को लेकर विवाद में मारपीट, झगड़े में बारात में आए शख्स की मौत, सूचना के बाद एसपी सिटी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर, 3 लोग गिरफ्तार। उन्नाव में केमिकल टैंक की सफाई करने उतरे 2 मजदूरों की मौत, जहरीली गैस की चपेट में आने से हुई मौत। बदायूं में हुए दिनदहाड़े तिहरे हत्याकांड की वारदात का लाइव वीडियो आया सामने, वीडियो में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने, जरीफ नगर थाना इलाके के भक्ता नगला की घटना। अमरोहा में बर्फ फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद हुई गैस रिसाव, गैस की दुर्गंध से कई लोग हुए बीमार, गैस रिसाव होने की वजह से 30 से 40 लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुनवाई, ईदगाह सर्वे की याचिका पर न्यायालय सुना सकता है फैसला, महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर होगी सुनवाई, एडीजे 6 कोर्ट में आज न्यायालय करेगा सुनवाई। एनसीआर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 1,20,00,000 का गांजा बरामद। मथुरा के डबल मर्डर केस में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 2014 में 2 पक्षों के बीच होली संघर्ष में हुई थी गोलीबारी। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते ट्रिपल मर्डर में हड़कंप, 4 आरोपी गिरफ्तार, बरेली जोन के एडीजी ने बदायूं में घटनास्थल का लिया जायजा, एडीजी का भरोसा, जल सलाखों के पीछे होंगे गुनहगार। प्रयागराज में माफिया विजय मिश्रा के करीबियों पर कसा शिकंजा, गैंगस्टर एक्ट के तहत हनुमान सेवक पांडे की 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। हापुड़ में स्टील वन कॉरपोरेशन और स्क्रैप फैक्ट्री पर जीएसटी टीम की छापेमारी, पकड़ी गई 2 करोड़ से ज्यादा की चोरी, स्टॉक में मिली गड़बड़ी, फर्जी बिल जब्त।
जालौर में लूटपाट के दो आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, आरोपियों के पास अवैध हथियार बरामद। लखनऊ में रिक्शा चालक को कुचलने वाले आरोपी पर एक्शन, पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया। चंदौली में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, पंप से खेत में पानी भरते समय हुआ हादसा। जालौन में सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना, करीब 2 लाख के जेवरात और 50,000 कैश चुरा ले गए चोर। बिजनौर में सड़क किनारे बारात की कार पेड़ से टकराई, दूल्हा दुल्हन सहित 4 लोग हुए घायल, घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती। थाना सिवहारा के चंचलपुर की घटना। शामली के कांधला कस्बा निवासी 3 दोस्तों की सड़क दुर्घटना में मौत, 2 की हालत नाजुक, कैराना कोतवाली क्षेत्र के ऊंचा गांव के बीच हुआ हादसा।